मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोविंडी में लोग बढ़ते नशे से परेशान हैं, खासकर युवा वर्ग इस नशे की दलदल में जा रहे हैं, जिसके खिलाफ गोविंडी के लोग कल सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी किए। गोविंडी के बैगनवाड़ी इलाके में रोड नंबर 8 प्लाट नंबर 12 में FDI और शिवाजी नगर पुलिस ने एक मेडिकल पर छापेमारी की, जिसमें कोरेक्स और भी भारी मात्रा में नशा करने के इस्तेमाल में आने वाली पदार्थों को पुलिस ने बरामद किया है। इस परमार मेडिकल के सामने स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मेडिकल चलाने वालों पर लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने स्थानीय लोगों से क्या बातचीत की है। आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। हम खड़े हैं गोवंडी के बैगनवाड़ी इलाके के रोड नंबर 8 और प्लॉट नंबर 12 में। यहाँ एक मेडिकल पर FDI और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने छापा मारा है। जिस मेडिकल पर छापा मारा गया है उस मेडिकल का नाम परमार मेडिकल है। बताया जा रहा है कि इस मेडिकल में कोरेक्स और भी नशे की दवाइयाँ बेची जाती थी। यही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप नशे के खिलाफ क्या कहना चाहोगे? नशे के खिलाफ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ गोंडी तो नशे का एक हब बन चुका है, इंतहा दर इंतहा हो गई है। यहाँ पे इतना नशा हो चुका है कि शरीफों का निकलना चलना दुश्वार हो गया है। यहाँ लड़कियों का निकलना चलना दुश्वार हो गया है। हर गली, हर नुक्कड़, हर नाटक, हर जगह पर लड़के नशा करके घूम रहे हैं। घर में चोरियाँ हो रही हैं, मर्डर, रोज एक मर्डर हो रहा है इस नशे की वजह से। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस नशे कारोबार में वाइट कॉलर लोग इन्वॉल्व हैं। अब मेडिकल वाले पकड़े जाते हैं इस कारोबार में, तो सोचिए कितनी ताज्जुब की बात है। जिस तरह आपका कहना है कि खुलेआम लड़कियों को छेड़खानी करते हैं नशा करके, और नशा खुलेआम बिकता है, तो यहाँ के MLA नगर सेवक कोई आवाज नहीं उठाते? आवाज उठाते होंगे, लेकिन कुछ ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर और शासन की कमी है, क्योंकि सिर्फ दो चार को पकड़कर नशे करते हुए, उन्हें पीते हुए पकड़कर छोड़ दिया जाता है। वो जाकर एक दिन में छोड़ जाते हैं, क्योंकि पीने वालों को ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो नहीं सकती है। उनके ऊपर बड़ी छोटी मात्रा में जो है ना नशे का सामान मिलता है, तो वो तो एक दिन में छूट जाएंगे। इनको बड़े जो यहाँ के माफिया डीलर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग बड़े जो मेन डीलर हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े माफिया है, जो बड़े लोग इन्वॉल्व, जो इन्वेस्टर हैं इसके, उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यही हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस नशे के बारे में? देखो, मुझे मेरे घर में खुद हो रहा है, मेरे घर में खुद हो रहा है, और उसमें मेरा लड़का है कि ऐसे करता है कि हम लोग रात और दिन हमारा ना नींद हराम है। इतनी नींद हराम किया है कि वो नशा हम लोग न पैसे देने के बावजूद वो नशा मिलता है। कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं, ये मालूम नहीं है। मगर जो भी करता है, जो भी बेचता है, उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं है। उसकी कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी मेडिकल है बेचता है, उस मेडिकल वाले के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और जो नगर सेवक है, जो MLA है, ये सब के सब ना कोई इंसाफ नहीं करता है, कोई इसमें दखल नहीं लेता है। क्यों? नशा करता है, नशा करता है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो इन लोग ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जो भी नशे का बेचता है उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि परमार मेडिकल पर 2 बार कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी अगर ये मेडिकल खुलता है तो इस पर आप क्या कहो? हर मेडिकल का कार्रवाई करना चाहिए, हर। बहरहाल विरोध प्रदर्शन के बाद मेडिकल पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशे के इस्तेमाल करने वाली दवाओं को बरामद किया गया है। मेडिकल के मालिक कांति परमार को पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।